चतुर्थाधीश तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। आज है 16 अप्रैल यानी कि संडे एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये है टैरो, ये है एनर्जी ओरेकल एंड ये है लाइफ नेविगेटर, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हम शुरुआत करते हैं लाइफ नेविगेटर डेक से, ठीक है। सुबह सुबह की शुरुआत है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम करते हैं कुछ कार्ड्स का चुनाव। चलो हम तीन कार्ड चुनते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो तीन कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है सेट योरसेल्फ फ्री, यानी अगर हम आज की बात करें तो आज थोड़ा सा इस पर्सन को फ्री होने की ज़रूरत है और वो फ्री होने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें नज़र आता है। कैसे वो फ्री करेंगे, कई बार क्या होता है ना, हम पुरानी सोच में डूब जाते हैं या फिर कि भाई हम क्या करते आ चुके हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है। कई बार हम वही घिसे पिटे अंदाज को फॉलो करते हैं या फिर वहीं पे अटक जाते हैं। लगता है कि मंडे हो या संडे एक जैसा है, इस चीज़ को ये छोड़ने वाले हैं। यानी कि जो इनका मन करे आज कहीं पे बाहर जाना है, घूमना है, अपने पसंद की डिश बनानी है या फिर डिश खानी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो उनका पुराना बिलीफ सिस्टम है कि हम ऐसे ही करेंगे, ये उनको छोड़ना होगा। अगर वो ऐसा करते तो डेफिनेटली आप भी उनमें बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है स्टे क्यूरियस। स्टे क्यूरियस का मतलब क्या है कि देखो हमारे आसपास क्या हो रहा है। कई बार हम कहते हैं कि गॉसिप अच्छा नहीं होता, लेकिन कई बार थोड़ा अच्छा होता है। मतलब हर बार वो गॉसिप नहीं है, लेकिन भाई जैसे कि आपके फ्रेंड ने क्या खरीदा है, वो नई गाड़ी खरीदना चाहता है या फिर आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, किसी ने नया एडमिशन लिया है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको बहुत पूरक बनाती है कि भाई हमें भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, हमें भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ज़िंदगी में बहुत नए नए मकाम हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है ड्रीम इंटेंटली। कई बार हम सिर्फ ड्रीम यानी कि ख्वाब सोचते हैं लेकिन ख्वाब जीते नहीं हैं। यहाँ पे ख्वाब जीने को बोला है। मान लेते हैं कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है और वो आपके बजट में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन शायद अगले 2-3 महीने में आ सकती है, तो उसके लिए आपको ड्रीम करने की ज़रूरत है। जब मिलेगी तब क्या होगा, आप पैसे कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको कल्पना में, कहानियों में बनानी है, ठीक है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ओरेकल। यहाँ से हम चुनते हैं 5 कार्ड एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। देखो ये पहला जो कार्ड है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इस पर्सन को भूलने की ज़रूरत है। एंग्जाइटी मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही थॉट सिस्टम में अटक जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन को छोड़ देना है। मान लेते हैं आप अगर इनसे कॉल नहीं करते, बात नहीं करते या फिर कहीं पे ट्रैफिक में अटक गए हैं, तो इनको किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एंग्जाइटी को छोड़ देना है। सेकेंड जो चीज़ है कि भाई दुनिया जो आपको संडे जीने दे रही है, आपको कम्प्लीटली जीना है, ठीक है। चाहे हम आपकी बात करें या फिर इनकी बात करें, अगर आपको कहीं पे घूमना है, आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, भाई कई जगह पे बारिश भी होती है, कई जगह पे धूप बहुत निकली है, ऐसे में आप स्पेसिफिक टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो। कहीं पे कोई मूवी देखनी है या फिर कहीं पे बाहर घूमना है, ये आप तय कर सकते हो और अपना पूरा दिन सेट कर सकते हो। सेकेंड कार्ड है फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल। हार्ट चक्र के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हार्ट चक्र किस किस का खुला है और किस किस का नहीं खुला है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग आपने देखे होंगे, अगर अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचा होगा कि वो अपना प्यार इजहार करने में बहुत समय निकालते हैं, बिकॉज कई बार हार्ट चक्र जो है वो या तो ब्लॉक रहता है, या तो वो कम्प्लीटली ऑन नहीं रहता, या तो वो सिर्फ फ्लर्ट करते रहते हैं, यू नो, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखती है। तो कहीं ना कहीं अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है, उसे ओपन करने की कोशिश इस पर्सन को करनी चाहिए। Man holding a heart. Wow, flirtatious day.
आज शायद फ्लटिशियस डे देखने को मिल सकता है। अगर आप दोनों कोई प्लान बना रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि भाई आज आपको प्रपोज करेंगे या फिर आप इनको प्रपोज करोगे, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, बस इसके लिए आपको कोशिश करती रहनी है। शायद आप दोनों जो हैं वो कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें जिसके लिए भी अभी तक वर्कआउट नहीं हुई हैं बिकॉज आप ज़्यादा सोचते हो, तो अभी अच्छी चीज़ें करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यह है भाई सिक्स चक्र आर्च एंजल मेटाट्रॉन। यह समय क्या दिख रहा है? इट इज़ ऑल अबाउट द आईब्रो चक्र, यू नो, हमें वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है? थॉट प्रोसेस जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि आप दोनों जो है उनकी, आप दोनों की सोच काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन ये सोच सिर्फ सिमिलर होने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये सोच जो है वो कम्प्लीटली मैच होनी चाहिए। ये जो सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हो ऐसा क्यों सोच रहे हो, अगर आप दोनों एक दूसरे की हालत समझोगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के आँखों से उन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो चीज़ें अपने आप मुमकिन हो जाएगी। फाइनल जो कार्ड है वह स्टॉर्म वार्निंग। कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हीटअप हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग अल्गोरिदम सेट दिख रहा है आपके प्यार के लिए, रोमांस के लिए, पैशन के लिए, जिनको भी ये पसंद है हो सकता है, या फिर एक छोटी सी चिंगारी भी आपके वर्ड्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बदल सकती है। इसलिए ध्यान से किसी भी बात के बारे में बात करें या फिर सोचें। और अब देखते हैं टैरो, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, टैरो से भी हम चुनते हैं 5 से 7 कार्ड। लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। चलो 7 कार्ड टोटल आ चुके हैं फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। ये कार्ड जैसे भी आएंगे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम इनको अभी वैसे ही देखते हैं। पे कार्ड आ गया है, चलो हम इसको स्ट्रेट ही देखते हैं, कोई कार्ड आज हम रिवर्स नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं एक मिनट देखता हूँ कौन सी कार्ड हमें क्या दिख रहे हैं। सुलत सी, देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो साज, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आज अपने प्लान्स बनाने में दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड जो है वो अलग अलग प्लान्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपके और इनके प्लान्स भी हैं वो शायद एन मोमेंट पे बदल सकते हैं। तो थोड़ी सी इसकी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक रह लीजिए। ये है एरीस लियो सैज, यानी कि फायर साइन। सेकेंड जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। इस पर्सन के पूरे दिन के कार्य क्षेत्र में या फिर पूरे दिन के स्केड्यूल में कोई भी कमतरता नहीं दिखेगी। ये पर्सन बिल्कुल रेडी रहेगा विथ एन्जॉयमेंट विथ सक्सेस। ठीक है, ये उल्टा चाहेगा कि आप और बहुत सारे टास्क कंप्लीट करें। अगर कहीं सफारी पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, यू नो, तो कैमरा साथ रखे एंड बहुत सारा एन्जॉयमेंट करे, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आज शायद ये अपने किसी पुराने दोस्त को मिल सकती है या फिर कोई पुरानी लव स्टोरी आपके सामने रिवील हो सकती है, कि जैसे कि मे बी इनकी जो कोई फ्रेंड है वो किससे प्यार करते थे, अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उनके शादी को कितने साल हो गए हैं, ये भी शायद वो देख सकते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वो इस मुकाम पर पहुँच सकते हैं कि अपने लिए खुद डिसीजन डेफिनेटली आप ले सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सही निर्देश अनुसार सही डायरेक्शन लेना। कई बार हम बस समय गंवाते हैं, तो समय गंवाना बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके करियर के बारे में है या फिर आपके प्रोजेक्ट के बारे में है, ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो हाई प्रीस्टेस। आप इनमें एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति देख सकते हो। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बेहतरीन कुक हो सकती है या फिर एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हो सकती हैं। इस पर्सन को अपना मेकअप करना या फिर यू नो अपने कपड़े चूज करना बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ द मेन थिंग, एंड वो बिल्कुल एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह रहते हैं। नाउ अगर वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो शायद उनके पास काफ़ी अच्छा गैजेट का कलेक्शन भी हो सकता है। निष्काल बैठे नफ्सोर्स जेमिना लिब्रा एक्वेरियस। अगर आप कम्युनिकेशन में देरी करते हैं तो ये डिले काफ़ी दिन के लिए हो सकता है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। जबकि लास्ट कार्ड है वह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो साज। यहाँ पे इस पर्सन को आज पैशनेट होने से, अपनी पैशन दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो अच्छे पेंटर है या फिर अच्छे चित्रकार है, अच्छे सिंगर है, तो आज आप उनकी एक हॉबी तो काफ़ी नज़दीक से जी सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बस इतना कहना चाहता है कि हाँ, ये अपने दिल से अपनी कला
को प्रदर्शित करता है और उसको ये बहुत अच्छा महसूस होता है। सो कभी भी इसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। इट आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।